हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? तो आज के लिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सेंटअप एग्जाम में काम आने वाला। तो एक एक सवाल को पढ़ते हैं और आंसर टिक लगाते हैं। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जायटी, चिंतित वाला वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस मी एंड द इकोलॉजी बीट, के लिखने वाले कौन है? तो हो जाएगा जॉन लिक्साओ। जॉन लिक्साओ, थोड़ा क्लीन से देखें, क्लीन से बोले भी। द ऑथर बिलीव दैट सी विल फाइंड गिल्लू फ्लॉरिंग इन द गिव्स ऑफ ए, तो हो जाएगा जूही फ्लावर, सन जूही फ्लावर, जूही फ्लावर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय स्टार्टिंग, खाली जगह है, विदाउट एडिक्यूट तो स्टार्टिंग प्रोडक्शन है ना, विदाउट एटीट्यूड प्लानिंग लीड टू द फेलियर ऑफ, मतलब बोलता है भारत में जो मूवी बनाता है बिना प्रोडक्शन का शुरू किए आगे बढ़ जाता है इस तरह से। एरिस सेज दैट हिज मदर वुड एक्सेप्ट द प्राइज इन द नेम ऑफ द ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपका बचेगा, मैं इसे बताते जाता हूँ। वन डे द ओल्ड मैन इज विजिटेड बाई सम पीपल, सम कुछ खाली जगह है, सम यंग पीपल हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, खाली जगह है, सम यंग पीपल। द एंसेंट वर्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर्स ऑफ, खाली जगह, तो हो जाएगा सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, द लिटिल गर्ल वाज वियरिंग ए ब्लू फ्रॉक, मतलब छोटी लड़की थी ब्लू फ्रॉक पहन के थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ, तो हो जाएगा रीएडजस्टमेंट, है ना, रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि द लिटिल गर्ल्स शोड इच अदर दियर, खाली जगह, एंड देन दे बिगेन टू प्ले, तो देयर फैनरी। द यंग पीपल वांटेड टू प्रूव दैट द ओल्ड वुमन वाज ए फ्रॉड, मतलब यंग पीपल बोलता कि ओल्ड वुमन जो थी फ्रॉड थी, धोखेबाज वाली थी। सी, खाली जगह, पीपल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द यंग पीपल ऑफ बर्मा हैव फील्ड टू द जंगल्स। नेक्स्ट सवाल है, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज, क्या हो जाएगा, लाइफ सेल्फ, क्या हो जाएगा, इज लाइफ सेल्फ, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज इट लाइफ सेल्फ। नेक्स्ट है, हु वाज एन एक्सेप्शन अमंग द ऑथर्स सेवरल पेट एनिमल्स, उसका नाम क्या था जो इसमें जो क्या बोलते हैं गिल्लू वाला जो कहानी था उसमें, तो गिल्लू था। मिस्टर विलियम वन सीइंग द ऑथर ट्राई टू प्रिटेंड दैट ही वाज नॉट कुकिंग, क्या ही वाज नॉट कुकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, अलेक्जेंडर एरिस इज द सन ऑफ, किसका बेटा था, तो आंग सांग सुकी का बेटा था अलेक्जेंडर एरिस। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज एन बैड मॉडल, द It should be realized that the average American film is a bad model. The squirrel was considered an easy prey, prey by the crows. Okay, option ho jayega, D ho jayega. According to Jim, nobody is willing to do anything about इकोलॉजी, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इकोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, टू हूम डज द राइटर टर्न टू फॉर क्या एनलाइटमेंट इन द सिनेमा हॉल, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिज वाइफ, ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोज हु मूव अबाउट इन कैरेक्टर्स कैरियर्स एंड सैडनेस नॉट टू सैडनेस हो जाएगा, ओके, हैप्पी मैन इज टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, तो अब यहाँ पे कंटेंट हो जाए, देखिए समझा के पढ़ाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है लेकिन क्या करें, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो, इसलिए मैं सवाल पढ़ के डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है ना, तो फिर जब क्लास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझा देंगे। द जर्म्स ऑफ द कीप ऑन ग्रोइंग इन द ग्रीफ्स गार्बेज बिन बैक्टीरिया हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द नरेटर ऑफ द पोएम इज राधाज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड, यानी कि जो राधा के दोस्त है जो राइटर है इसमें। हुज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड, तो क्या होगा, द रिच मैंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द पुअर मैंस द फायर ऑफ लव हैज कैर्ड विंग्स ऑफ द कोयल, मतलब कोयल का पंख के बारे में बोला जा रहा है।
द पोटर्स इज वेरी थिन बॉडी, मतलब पोटर का जो बॉडी था बहुत ज्यादा थिन था. नेक्स्ट है हाउ वेयर मार्थाज हैंड, तो मार्था का हैंड कैसा था, स्लिम था. ओके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट है द पोटर्स इज द सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वैंस और वाइफ हो जाएगा. ओके नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं. डिड मार्था टेल हर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, यस. तो यहाँ पे यस जो नो में फिल करना था तो आंसर हो जाएगा यस. द कलर ऑफ द पोटर्स कैप, कैसा कलर था, तो उसका कैप का कलर जो है ब्लैक था पोटर का. द पोएम टेल्स दैट दैट थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा, है ना, राधा इसका राइट आंसर हो जाएगा. द हर्ट कॉज्ड बाई समबडी रिमेन्स विथ द ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग बॉडी, ए लॉन्ग टाइम बॉडी. The poet want to away from the world still हो जाएगा. ओके तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा. अब यहाँ पे कीजिए खाली जगह. The crops है ना, the crops gives said to the happy man, ये आपको पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है the tree is ना पेड़ वाला है. नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं. गुड हेल्थ एंड वर्चू कैन मेक, कहा अच्छा मतलब जो अच्छा हेल्थ होता है हमारे बॉडी को, लाइफ को अच्छा मीठा बनाता है, स्वस्थ बनाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड हेल्थ एंड वर्चू कैन मेक आवर लाइफ स्वीट हैप्पी. नेक्स्ट म्यूजिक इन द विलेज इज प्रोवाइडेड बाय द, तो आंसर हो जाएगा बर्ड्स हो जाएगा, यानी कि जो म्यूजिक गाते सुबह सुबह पंछी गाते हैं. नेक्स्ट है ए हैप्पी मैन प्रोजेस, तो ए हैप्पी मैन जो होता है, हैप्पी मैन प्रोजेस क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मैन क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मैन. द पॉलिथीन बैग रिमेन, तो आंसर क्या होगा, बरीड विथ इन, है ना, मतलब गला होता है पॉलिथीन बैग जो होता है. द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन, ओके अनसीन एंड अननोन. नेक्स्ट है हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट, तो जनवरी नाइट में हल्कू ज्यादा जो मेन कैरेक्टर उसका रहता है, हल्कू का रहता है. एलर्जी कॉजेस ए वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इन आवर एनवायरमेंट, ठीक है. नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं. इन द बैंकर्स ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट वॉज मोर एंड मोर ह्यूमन डैट इम्प्रिजनमेंट, आंसर हो जाएगा इमोरल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. देयर वर ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स डिस्प्लेड इन द विंडो ऑफ मिस्टर गेसलर्स शॉप, तो कहानी पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. द बिग वॉज पुट इन ए कॉर्नर ऑफ द डाइनिंग रूम, आंसर क्या होगा, पियानो, मतलब डाइनिंग रूम में क्या था, पियानो था. द मदर यूज टू वरी अबाउट हर डॉटर्स एज सी हर अवे थ्रू लाइफ, तो क्या हो जाएगा, क्राइड हो जाएगा. ओके इसका आंसर लाइफ, एक मिनट. द मदर यूज टू वरी अबाउट हर डॉटर एज सी हर अवे थ्रू ऑफ लाइफ, लव, लव हो जाएगा. ओके ठीक है, ये भी ठीक है. नेक्स्ट है द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड हैड बिकम एन इमोशनल फॉर इच अदर, तो एंकर हो जाएगा. ओके इसका आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट पढ़ते इन टू हॉरिजन्स लाइफ हैड बिकम वेरी, खाली जगह, हैप्पी फॉर द डॉटर. द आइस पडिंग वाज इन द शेप ऑफ ए, खाली जगह, तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, पिंक हाउस. नेक्स्ट सवाल है द ऑथर ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑथर ऑर्डर्ड थ्री पेयर्स ऑफ शूज थ्रू ही वांटेड ओनली टू, यानी कि इसका जो ऑथर ने जो ऑर्डर किया था. द गेस्ट्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल डिसअप्रूव्ड पनिशमेंट. नेक्स्ट सवाल है एंटीहिस्टामाइन्स कैन प्रोवाइड, और क्या हो जाएगा, टेम्पररी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम्स, तो आपको पढ़ना पड़ेगा किताब को. हल्कू रियलाइज डैट विदाउट ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप इन द फील्ड एट नाइट ब्लैंकेट. चलिए अगला सवाल है. मून शूज वेयर वाइट इन कलर विथ बिग ऑन द देम, तो क्या हो जाएगा, लेसेज, है ना, लेसेज. चलिए नेक्स्ट सवाल है द बैंकर्स, खाली जगह,
आफ्टर रीडिंग द नोट्स ऑफ द लॉयर, तब वेप्ट हो जाएगा. ओके चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं. द लास्ट थिंग टू द ऑन द माइंड ऑफ द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड वाज, तब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा. ओके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेपरेशन. नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं. जबरा स्टार्टेड व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स, क्या किया तो उन्होंने बार्किंग शुरू किया, मतलब जबरा भौंकना शुरू कर दिया था, कुत्ता का नाम है जबरा. वन हैड टू सिट ऑन ए वुडन एंड वेट इन मिस्टर गेसलर्स चेयर्स चेयर, ठीक है ना. द नरेटर्स गर्लफ्रेंड हैड टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट हर पास्ट, ठीक है. नेक्स्ट द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द सेल मिनट्स बिफोर द क्या है एस्टिपुलेटेड टाइम, तो फाइव है ना, फाइव टाइम्स हो जाएगा. साइनोनिम ऑफ मोइस्ट का साइनोनिम्स का होगा डैम्प हो जाएगा, मतलब सेम वर्ड पर्यायवाची शब्द बोलेगा. कन्फेस का साइनोनिम का होगा तो होगा लक, देखो लक है ना, लक मतलब किस्मत होता कन्फेस का. नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम ऑफ नोबेल, तो नोबेल का उल्टा क्या होगा इग्नोबेल, उल्टा विलोम शब्द यहाँ पे है. एंटोनिम ऑफ फ्रेंडशिप का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इनिमिटी होता है मतलब दुश्मनी है ना, दुश्मनी दोस्ती का दुश्मनी. ही एग्रीड माई प्रोजल प्रपोजल, कुछ खाली जगह यहाँ पे यार, ही एग्रीड कुछ खाली जगह यहाँ पे है, ठीक है ना, जो भरना है टू होगा. तो क्वेश्चन देखिएगा कुछ खाली जगह यहाँ पे, आई हैव सीन आई हैव बीन अब्सेंट, तो फोर हो जाएगा, फोर फाइव डेज, ये तो आपका ट्रांसलेशन वाला दे दिया जी. वी एग्रीड दिस पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे क्या 67 का आंसर क्या होगा, वी एग्रीड दिस पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ खाली जगह है, ठीक है ना. अब यहाँ पे हमको एट पॉइंट होगा, यहाँ पे कुछ खाली होगा, एट दिस पॉइंट यहाँ पे खाली जगह होगा, एट दिस पॉइंट चलो तक छूट गया यहाँ पे. I have not seen him Friday. Okay. देखिए क्या, I have not seen him Friday. मतलब Friday से मैं उसे नहीं देखा, तो यहाँ पे देखिए खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह भराएगा, शायद लिखने में जो है ना मिस्टेक हुआ, छूट गया यहाँ पे खाली जगह. What is wrong you? तो यहाँ पे क्या by, at, with, over. तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, तो यहाँ पे what is wrong with you? तो यहाँ पर देखिए खाली जगह, जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे खाली जगह, आपको एग्जाम में खाली जगह मिलेगा. ओके नेक्स्ट सवाल है, यू शुड नॉट लव द पुअर, तब फिर खाली जगह पे होगा, यू शुड नॉट लव, यहां पर खाली जगह रहेगा तो एड द पुअर हो जाएगा. ओके नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं. राइट, अब देखिए खाली जगह, राइट ऑन इन बाय इंक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट ऑन इन बाय इंक, मतलब इंक के द्वारा लिखने के लिए बोला जा रहा. ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं. तुम्हें अब देखो एक ट्रांसलेशन आ गया, तुम्हें दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड नॉट, या यू ऑट, अच्छा यू ऑट भी बोल सकते हैं, यू ऑट नॉट टू चीट ए फ्रेंड, बिल्कुल यू ठीक है. नेक्स्ट है, मेरे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, सिंपल सा सेंटेंस दे दिया. राम महेश से अधिक तेज है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन महेश, है ना. नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट स्पीच ऑफ, तो द टीचर सेड दैट इन क्या है, इन द इंडिया है सिक्स स्टेजन्स, तो द टीचर्स विल से, द टीचर अच्छा सेड है ना, सेड तो सेड ही रहेगा, इंडिया है सिक्स, इंडिया है जरा तो हैड, हाँ इंडिया है सिक्स, ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका. नेक्स्ट पढ़ते, ये नरेशन दे दिया, ही सेड दैट ही कुड बाई ए कार, तो देखिए ही सेड, और ही के लिए क्या होगा, ही होगा He said that he may buy a car. ऑप्शन इसका ए सही होगा, ठीक है ना, ही है ना, ही के लिए क्या होगा फर्स्ट, मतलब ये क्या, ही सेड दैट आई कैन बाय अ कार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है ये ऑप्शन सही, ए वाला सही होगा, ठीक है. नेक्स्ट है, डायरेक्ट स्पीच ऑफ, ही आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज मेकिंग ए नॉइज, ओके तो he said, अब देखिए यहाँ पे ask हो गया तो टू लग जाएगा, he said to Ram, अब देखिए why है ना, why are you, ठीक है ना, he said first third person, why are you making a noise, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट पढ़ते, डायरेक्ट इसी बताना, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी बताना है, द एक मिनट ये क्या था, यहाँ पे क्या था, एक मिनट डायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट, अच्छा डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट बताना है, 73 हो गया,
78 लगे। द टीचर सेड दैट ही अनोन एनीवन देयर इज, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी, बी टिक लगा लीजिए ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड दैट आई वांट ए न्यू फ्रॉक, तो आंसर होगा बी वाला, सी सेड दैट सी वांटेड ए न्यू फ्रॉक ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच बताना, ही सेड दैट आई एम गोइंग टू होम, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू होम। नेक्स्ट सवाल है एक्टिव वॉइस बताना, बाय हुम, तो क्या होगा बाय हुम, हु लैग्ड बाय हुम द इट किल्ड, अच्छा ठीक, तो हु हो जाएगा हु किल्ड द कैट। ये एक्टिव पैसिव पढ़े हुए तो बना लीजिएगा आराम से। एक्टिव वॉइस ऑफ ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट, तो हो जाएगा यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई ठीक है। एक्टिव वॉइस बताना, द कार इज ड्राइविंग बाय माई ब्रदर, तो हो जाएगा माई ब्रदर ड्राइव, हाँ ये तो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। एक्टिव वॉइस, शी वाज लव्ड बाय हर आंट्स, तो हर आंट्स लव्ड, देखिए पैसिव दे दिया और एक्टिव बनाने बोल रहा है ओके। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ द ट्रीज प्रोवाइड फ्रूट्स, तो फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज हो जाएगा। इन्फॉर्म द डॉक्टर, तो लेट द डॉक्टर बी इन्फॉर्म्ड, ये देखो जब ऐसा सवाल है तो लेट करके बनाते हैं ओके। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो देखिए क्रिएचर का स्पेलिंग देखिए ये सही है, अच्छा यहाँ पे क्या इंसल्ट, इंसल्ट होगा ना आई एन एस यू एल टी इंसल्ट, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सेवरल ए सी वी ई आर एल, देखिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है गार्डेनर जी आर डी ई एन ई आर, तो सिंपल सवाल है, देखिए स्पेलिंग को स्पेलिंग सुधारने के लिए दिया जा रहा, और क्या ब्यूटीफुल, देखिए अच्छा बी बी ई यू टी आई एफ यू एल, अच्छा लेकिन एक तरह हल्का एग्जाम में नहीं रहेगा। पैराडॉन, तो पैराडॉन का स्पेलिंग क्षमा करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। खत्म हुआ, सेल सेल क्या है भाई, सॉल है, अच्छा एस एच ए डब्ल्यू, पता नहीं इसका मीनिंग नहीं पता क्या होगा। शी स्टॉप्ड हर मदर फ्रॉम देयर, खाली जगह यहाँ पे है गोइंग, कुछ खाली जगह यहाँ पे छोड़ा हुआ है जो कि देखा है ना, कुछ भरने का वर्ब भरने का है। ही अवॉइड्स मीटिंग फार्मर्स ओके, अच्छा ही अवॉइड्स मीटिंग, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है हीरा फोर्स्ड टू ज्वाइन द रैली, यहाँ पे कुछ है हीरा फोर्स्ड मी, यहाँ पे खाली जगह है टू ज्वाइन द रैली। आफ्टर ही आफ्टर द एक्सीडेंट माई सेल्फ फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल, आफ्टर द एक्सीडेंट आई कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम, तो आई हो गया आई कंट्रोल भरेगा, आई कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम ट्रेम्बलिंग। ही एट द एनिमी, ही एट यहाँ पे ही क्रश्ड होगा, ही क्रश्ड एट द, यहाँ पे खाली जगह ही क्रश्ड, अच्छा रश्ड सॉरी ही रश्ड एट द एनिमी, तो मतलब यहाँ पे खाली जगह छोड़, मतलब मिस्टेक हो गया स्थान नहीं छोड़ा गया, एग्जाम में रहेगा छोड़ा हुआ। रीना वाज ऑफ, देखो यहाँ तो रीना वाज ऑफ स्टीलिंग एक्यूज्ड, रीना वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग होगा ना, चलिए खाली जगह भर लीजिएगा। सरिता डज नॉट लाइक, हाँ ये तो ठीक है, लाइक टू स्विमिंग हो जाएगा, नो अच्छा सरिता डज नॉट लाइक स्विमिंग ठीक है। तो यहाँ पे 100 सवाल पूरा हो गया, आप देखो अगर किसी को पूरा हो गया ना 100 सवाल, अब अगर किसी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, अपना गूगल खोलिएगा ओके, मोबाइल में गूगल खोल लेना, आपको खुल जाए भाई जल्दी से, गूगल के पे सर्च कीजिए अपना ए ऑनलाइन सोल्यूशन, ए ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च कर लीजिएगा ओके। देखिए यहाँ पे आ जाएगा खोल लेने का, इसको खोलने के बाद देखिए यहाँ पे जाइएगा सेंटअप लिखा हुआ है ओके, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से आएगा, अच्छा फिर से आ गया ओके, खोल लीजिएगा। खोलने के बाद देखो जाना है आपको कहाँ, नीचे जाना है, नीचे सबसे नीचे होगा, सबसे लास्ट होगा, यहाँ पे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ आंसर जाओ, और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे सारा आंसर मिलेगा। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव सवाल जो आपको चाहिए था, इसका सब्जेक्टिव सवाल का आंसर नीचे डाला हुआ है, जाके फटाफट पढ़ लो देख लो है ना, एग्जाम में छाप देना, लेकिन सब्सक्राइब वगैरह करके जाइएगा ठीक है। अच्छी लगी वीडियो, देखो इसमें टाइम में नहीं लिया आपका, ताकि हम जब बाद में पढ़ाएंगे तो आपको समझा पढ़ाएंगे, अभी समझाएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको अच्छे तरीके से मैथ का साइंस का सोशल का और लैंग्वेज का बेस्ट तरीके से तैयारी करना है, तो आपका जो टाइम बचा 3 महीना जो भी है ढाई 3 महीना जो बच रहा एकदम बेस्ट तैयारी होगा, उसके लिए यहाँ पर एक मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा आपके मोबाइल में, वीडियो में 8242 वीडियो में मोबाइल नंबर शो दिख रहा ठीक है ना, इसी मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज करना कॉल करना है। और प्राइस का दाम कितना है 249, जो क्रैश कोर्स है ना, जो क्रैश कोर्स है, तो मैं आपको
पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी तैयारी लॉच पोच है, हॉच पोच है, जैसे जैसे, तो आप जुड़ जाइए, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। टेंशन इस बात की मत लीजिएगा, अगर आप जुड़ते हैं तो फिर मेरे हवाले है, आपका नंबर दिलाना मेरे हवाले, बस आपको शर्त के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली क्लास हमारी, डेली क्लास होती है 2 बजे दिन में और 6 बजे शाम को, डेली क्लास में आइए और क्लास में आने के बाद एकदम बेहतर तैयारी कीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।